आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कि हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दोपहर बाद सतारा से लौटेंगे एकनाथ शिंदे। गृह विभाग पर अड़ा हुआ है शिंदे गुट, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। मौजूदा 9 विभाग भी वापस चाहती है शिवसेना। महाराष्ट्र में सीएम के नाम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण होगा। नतीजे आए, हफ्ता बीत गया, मगर महायुति की नई सरकार के फॉर्मूले पर सस्पेंस ऐसा कि तमाम कहानियां सिर्फ अटकलों की शक्ल में ही घूम रही हैं। महाताजपोशी में देरी और उधेड़बुन के बीच सवाल भी कौंध रहे हैं कि आखिर बीजेपी किसे सौंपेगी महाराष्ट्र का सिंहासन। बीजेपी के सामने शिंदे ने क्या रखी है 3 शर्तें। एकनाथ शिंदे ने गांव में क्यों डाल दिया डेरा। बताया जा रहा है कि सीएम पद की रेस में खुद को अलग करने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए उचित तवज्जो चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को भी अवगत करा दिया है और उनके पाले में गेंद डालने के लिए खुद वेट एंड वॉच की रणनीति पर सतारा चले गए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शाह के साथ मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने 3 शर्तें रखी थी, जिसमें 2 शर्तों पर शिंदे की सेना अड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मांग रखी है, अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो गृह वित्त विभाग के साथ साथ स्पीकर पोस्ट शिवसेना को मिले। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो शिवसेना महायुति सरकार को बाहर से समर्थन देने पर विचार कर सकती है। उधर शिवसेना के नेताओं के बयानों से ये साफ हो रहा है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल केंद्र की पॉलिटिक्स में उतरने के मूड में नहीं है। हम लोग ने हमारी इच्छा, हमारा आग्रह हमारे मुख्य नेता माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के सामने रखा है। हमें लगता है कि हमारी विनंती का माननीय शिंदे साहब मान रखेंगे और उनके नेतृत्व में उनके अनुभव के नीचे काम करने को ये काम करने में ये सरकार आगे जाएगी। ब्राह्मण मराठा कार्ड में फंसा पेच। इस बार के चुनाव में बीजेपी को ओवैसी के साथ साथ मराठी वोटरों की बम्पर सौगात मिली है। मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र जैसे रीजन में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। शतकीय पारी के पीछे एकनाथ शिंदे फैक्टर को जोड़ा जा रहा है। चुनाव से पहले मराठा आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान का डर सता रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बम बम कर दिया। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के हटने के बाद भी बीजेपी अपने अभिमन्यु या यूं कहें देवेंद्र फडणवीस की सेफ लैंडिंग नहीं करा पा रही है। मध्य प्रदेश से उत्तराखंड, बीजेपी की सुपर टॉप लीडरशिप ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और सरप्राइज देने में मोदी शाह का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि हाथ में प्रचंड जनादेश होने के बावजूद बीजेपी अपनी परफेक्ट महाटीम सही टाइमिंग पर ही उतारेगी। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।